नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली रॉडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विदेशी निवेश की वकालत करते मोदी, हड़ताल की तैयारी करते मजदूर और किसान। महाराष्ट्र, राजनीतिक रस्साकशी के चलते संकट में आया राज्य का चीनी उद्योग। भाजपा ने नीतीश और सुशील की जोड़ी क्यों तोड़ी। कोरोना अपडेट, देश में 4 महीने के बाद 30,000 नए मामले, 435 मरीजों की मौत। बिहार के थका देने वाले चुनाव अभियान, उग्र होती महामारी और दम निकाल देने वाली मंदी के बीच भी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास बैठक को संबोधित करने के लिए समय निकाल लिया था। उस बैठक में भाग लेने वालों ने जो कुछ समझा और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, वह एक बेहद जोखिम भरा मार्केटिंग वाला स्वर था। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल 2020 नाम की उस बैठक में दुनिया के 20 सबसे अमीर निवेशक मौजूद थे, जो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से रखे जाने वाली पेशकश पर नजर गड़ाए हुए थे। ये निवेशक उन पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड वाले हैं जिनके बीच 6 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। चूंकि हाल के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से निढाल हो चुकी है, ऐसे में मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार लगातार विदेशी निवेशकों से भारत में अपना पैसा लगाने की याचना कर रही है। उन्होंने इन सभी निवेशकों के सामने एक बात का खुलासा नहीं किया कि वह कितनी लगन के साथ उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि इस साल 26 से 27 नवंबर को पूरे भारत के श्रमिक उन नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए गिनाया था। इसके अलावा उस हड़ताल में नए कृषि कानूनों के विरोध में करोड़ों किसान भी शामिल होंगे, जो अपनी योजना के मुताबिक दिल्ली में सरकार का घेराव करेंगे। चीनी उत्पादन में अग्रणी महाराष्ट्र का चीनी उद्योग पिछले 6 महीनों से केंद्र सरकार के सामने निर्यात की नीति को स्पष्ट करने पर जोर दे रहा है, लेकिन केंद्र उसकी इस मांग को लगातार अनसुना कर रहा है। दूसरी तरफ मौसम शुरू होने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा निर्यात सब्सिडी रोके रखने से यह उद्योग भयावह वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हालांकि कुछ जानकार इस मौजूदा वित्तीय संकट को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस सेक्टर के जानकार अर्नॉल्ड लुइस मानते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा निर्यात सब्सिडी बंद रखे जाने से भारतीय चीनी उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे महाराष्ट्र में चीनी कारखानों की स्थिति साफ करते हुए कहते हैं कि राज्य में कई कारखाने बंद हो चुके हैं, कई कारखाने बैंकों से लिए गए कर्ज में डूबे हैं, इस कारण नकदी की कमी आ गई है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसका असर खेती बाड़ी पर भी पड़ रहा है और राज्य के गन्ना किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। वहीं राज्य में चीनी कारखाना प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को लगता है कि अब की बार राज्य में प्रति टन चीनी निर्यात पर दी जाने वाली औसतन 11,000 रुपए की अनुदान राशि नहीं मिलने से वे फंस गए हैं। जबकि कुछ प्रबंधकों की यह शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीनी उद्योग की मदद लेने के मामले में अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे। हालांकि केंद्र पर भाजपा शासित राज्यों के चीनी उद्योग को मामूली राहत देने और अन्य राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोप लग रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के गन्ना किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम दिलाने और शक्कर भंडारण जैसे मुद्दे पर थोड़ी मदद की है। वहीं इस मामले में केंद्र ने महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एनडीए के नेता के तौर पर नीतीश कुमार सोमवार को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी होने के चलते इस बार वह कमजोर नेता साबित होंगे। इस बीच भाजपा नेतृत्व ने उनके विश्वस्त भाजपाई नेता सुशील मोदी की जगह अपने नए और ज्यादा हिंदुत्ववादी नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद देने का संकेत दिया है। सुशील मोदी की जगह तार किशोर प्रसाद भाजपा विधायक दल के नेता और रेणु दोईवी उपनेता चुनी गई हैं। भाजपा सूबे में अपने नेताओं की नई कतार ला रही है। इसका क्या निहितार्थ है, समूचे प्रकरण का विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार कल यानी सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगे। एनडीए ने आज उनका नाम फाइनल कर दिया। उनको बकायदा विधायक दल जो एनडीए का है यानी जेडीयू, बीजेपी, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, चारों के एमएलए की मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह दिल्ली से गए थे बीजेपी के ऑब्जर्वर बनकर और वहां नाम तय हो गया
कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको शपथ कल दिलाई जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार का नाम तो तय हो गया, लेकिन सुशील मोदी जी का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त भी सुशील मोदी के भविष्य को लेकर कोई सफाई नहीं है, बल्कि इतनी सफाई जरूर है कि हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बिल्कुल न बने। और इस बार ये संकेत इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने अपना जो नेता चुना वो कटिहार के एक एमएलए को चुना, जो चौथी बार के विधायक हैं, उनका नाम है तार किशोर प्रसाद। और तार किशोर प्रसाद साहब ये सुशील मोदी की तरह ही वैश्य समाज से आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक डिप्टी लीडर के लिए भी एक अति पिछड़े समुदाय की एक महिला का नाम, महिला विधायक का नाम तय हुआ है डिप्टी लीडर बीजेपी की, वो है रेणु देवी। वो बेतिया से, वो भी चौथी बार विधायक बनी है। इन दोनों के बारे में स्वयं सुशील मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये लोग बनाए गए हैं, उनको उन्होंने बधाई दी। और उन्होंने जो बात कही है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि तार किशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिश्या बधाई। दूसरा ट्वीट किया नोनिया समाज से, जाति भी उन्होंने बताई। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जात पात में उसका यकीन नहीं है, वो सिर्फ धर्म की पार्टी है। नोनिया समाज से आने वाली बेतिया से चौथी बार विधायक रेणु देवी को उपनेता बनने पर बधाई, ये उन्होंने कहा। लेकिन अपने बारे में जो ट्वीट किया वो बड़ा दिलचस्प है, खासकर उसकी आखिरी लाइन। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया है कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन मैं करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। ये जो आखिरी लाइन है वो बहुत ही पेंचदार है, बहुत ही भेद खोलने वाली है, या कहीं ना कहीं इसमें सुशील मोदी की एक निराशा है या एक नाराजगी भी आप कह सकते हैं। लेकिन क्या सुशील मोदी अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, जिसकी पूरी संभावना है, तो क्या वो केंद्र में लाए जाएंगे? केंद्र में लाए जाने का अगर उनको कोई संकेत होता अभी फिलहाल, तो शायद ये आखिरी लाइन क्यों उन्होंने डाली, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि सुशील मोदी को गैर जानकारी, उनको जानकारी अभी न हो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की, और वो जल्दबाजी में उन्होंने ये लाइन लिख दी हो। अब ये तो बात पता चलेगी बाद में। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक नीतीश कुमार जी के जो जोड़ीदार इतने लंबे समय से रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दोनों के बीच गजब की समझदारी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और जेपी मोमेंट के दौरान भी ये दोनों बिल्कुल साथ थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे सुशील मोदी, और नीतीश कुमार जो हैं वो समाजवादी धारा से जुड़े हुए थे उन दिनों, दोनों पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दोनों प्रतिभाशाली थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं बिहार में, उनमें सुशील मोदी एक आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी समझ रखने वाले नेता हैं। तो यह हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटाकर केंद्र में उनको लाया जाए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन से जो रिक्त हुई सीट है राज्यसभा की वो खाली है, और उस पर बीजेपी चाहे तो अपना कोई नेता जिता सकती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर तार किशोर प्रसाद, जो कटिहार से एमएलए हैं, उनको अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो नीतीश कुमार को उनके मन माफिक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा। रेणु देवी को अगर बनाया जाता है, या दोनों को बनाया जाता है, जैसे यूपी में बने हैं दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो ये बहुत संभव है कि एक बैलेंस कायम किया जाएगा। रेणु देवी जो हैं महिला के साथ अति पिछड़े समाज से आती हैं, बेतिया जिले से आती हैं, बेतिया इलाके से आती हैं, चार चार बार विधायक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार में बीजेपी के टेक ओवर के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि सुशील मोदी बीजेपी में आमतौर पर एक अलग ढंग के नेता माने जाते रहे हैं। अब बीजेपी खांटी आरएसएस मार्ग का नेता, जो बिल्कुल हिंदुत्व ब्रांड का नेता हो, उस तरह के नेताओं को आगे लाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि आज की तारीख में इस गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार सेकंड पार्टी है, यानी जेडीयू उनसे बहुत नीचे है। वो
कुल मिलाकर बीजेपी के रहमो करम पर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और उसके भी कारण है। इसका भी मैं खुलासा किसी न किसी दिन जरूर करूंगा कि बीजेपी क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाने पर वाकई राजी हुई और इसके पीछे उसके क्या निहितार्थ हैं। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बीजेपी हर हालत में चाहती है कि मौजूदा सरकार में हिंदुत्व जो उसकी ब्रांड है, जो हिंदुत्व उसकी राजनीति है, उसका डोमिनेंस रहे और विधायक ही केवल नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट में वो दिखाई दे। और इसीलिए मुझे लगता है कि सुशील मोदी की जगह तार किशोर प्रसाद को और रेणु देवी को लाया जा रहा है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये दोनों बनते हैं या सिर्फ कोई एक बनता है, तार किशोर प्रसाद बनते हैं, तो आरएसएस पूरी तरह अपने ढंग से काम कर पाएगी और उसमें कोई बौद्धिकता, कोई एक यूं कहा जाए कि नीतीश जी और सुशील मोदी की बचपन की जो दोस्ती है, छात्र आंदोलन की जो दोस्ती है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं रहेगा। तो अंत में अगर मैं बहुत संक्षेप में इस पूरे घटनाक्रम को बताऊं, ये न्यू सेट ऑफ लीडरशिप को बीजेपी जो लाना चाहती है उसमें बिहार को भाजपा प्रदेश बनाने का उसका एजेंडा सबसे डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा उसका महत्व है। क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि भले ही वो सरकार बना ले रही है, भले ही उसको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इस बार चुना गया है जनता द्वारा, लेकिन गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश की तरह और दूसरे और कई प्रदेशों की तरह बिहार आज भी भाजपा का प्रदेश नहीं है। भाजपा को जो सेकंड पार्टी बनने का मौका भी मिला है उसके पीछे हिंदुत्व आधारित राजनीति कम और जात आधारित राजनीति ज्यादा है। अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा उसने वोट किया है और साथ में अन्य तबकों ने भी उसको समर्थन दिया है, जेडीयू वगैरह की वजह से। ये सब बड़े कारण है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए इस बार की सरकार वाकई उतनी आसान नहीं होगी चलाना, अपने मन से या अपने तौर तरीके से जो वो ब्यूरोक्रेसी के बल पर पूरी की पूरी सरकार चलाते थे अपनी मर्जी से, इतना अब इस बार उनके कार्यकाल में ये ऐसा संभव नहीं होगा। तो देखना ये होगा कि सरकार कैसे चलती है, कितने दिन चलती है और क्या इक्वेशंस होते हैं। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी कि 16 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,548 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 435 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 43,851 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 13,738 मामले कम हुए हैं। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 88,45,127 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,30,070 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.17% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93.26% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 82,49,579 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5.26% यानी 4,65,478 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 12,56,98,525 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 8,61,706 सैंपल की जांच बीते 24 घाउंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।